और यम्मी लगता। लेट्स सी, मैं खाना नहीं खाती थी, इसका कलर ग्रीन है। पैक छोड़ दूं, जैसे वो वृंदावन में धूपबत्तियां नहीं जलती है। ऑसम, ये ग्रीन राइस कितना। सो गाइस, जब भी बारिश आती है ना, तो पेड़ पौधे इतने ग्रीन ग्रीन दिखाई देते हैं, क्योंकि नहा चुके होते हैं। ऐसे में दिल करता है भाई कहीं पहाड़ों के बीच में चले जाएं, प्रकृति को एंजॉय करें, क्योंकि आइस को भी बहुत अच्छा लगता है, ठंडक मिलती है। अब मौसम इतना प्यारा है, ऊपर से मैंने कपड़े ग्रीन पहन लिए हैं। अब मैं सोच रही हूँ क्यों ना खाना पीना भी ग्रीन 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 कर लिया जाए। सो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल, मेरा नाम दीप्ति है। आज मैं करने वाली हूँ ग्रीन फूड कलर चैलेंज। द मोर यू ईट ग्रीन, द मोर यू गेट लीन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कुक विद मी। और जो तूने लाइन बोली ना, मैं तेरे ऊपर सोचूंगा। फेस विद रेज्ड आईब्रो। कोई नहीं, वी कैन यू नो डू कोशिश। ब्रेकफास्ट टाइम है और ब्रेकफास्ट के लिए मैंने सोचा है कि मैं बना लेती हूँ ये वाली दाल के चीले। मतलब इसका कलर ग्रीन है और इस दाल को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, आप लोग ही बता देना। तो मैं ऐड कर रही हूँ गरम मसाला, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और नमक, और थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं ताकि और अच्छा ग्रीन सा कलर आ जाए। ये सब कुछ ना मैं डायरेक्ट मिक्सी के जार में डाल के इसलिए ग्राइंड कर रही हूँ ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और मेरी थोड़ी सी चम्मच से हिलाने वाली मेहनत बच जाए। और थोड़ा सा गर्म पानी ले लिया और उसमें प्याज डाल के इस बैटर को हम थोड़ा सा पतला बना लेंगे। जब तक मेरा तवा गर्म हो, मैं थोड़ी सी आपको प्रिपरेशन दिखा देती हूँ। ग्रीन 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 ढूंढने के लिए स्टोर में, और ये जाएगा बाजार में ग्रीन 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 ढूंढने के लिए। एटीएम दे जल्दी। चैलेंज तेरा एटीएम मैं दूँ? दे देना यार, जल्दी दे, मेरे पास नहीं है। अच्छा चल, पेटीएम से दे दे। 20 रुपए कर दूँ? अरे यार, 20 में तो चिप्स का पैकेट भी नहीं आएगा। रिजल्ट बढ़ गया, थोड़ा सा 2000 रुपए मिल गए। लेट्स सी क्या क्या मिलेगा तुम्हें। मैंने 200 किए थे। मैंने स्टोर में वीडियो इसलिए नहीं बनाया बिकॉज लिमिटेड आवर्स के लिए खुला होता है और बहुत सारी भीड़ होती है, कम कम लोग अंदर जा सकते हैं, तो ऐसे में वीडियो अंदर बनाना मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं, हरी सब्जियों में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और सब्जी से ज्यादा कूड़ा निकल जाता है। और ये ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। अभी मैं ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही हूँ, मुझे दोपहर का आइडिया नहीं है कि मैं दोपहर में क्या खाने वाली हूँ और डिनर में क्या खाने वाली हूँ, बिकॉज ग्रीन ग्रीन ग्रीन, और हम सब बचपन में ग्रीन कलर से बहुत ज्यादा बचते थे। डू यू लाइक ग्रीन फूड? यस। एक चम्मच देसी घी डालने के बाद मैं डाल रही हूँ दाल वाला बैटर चीले के लिए। वो क्या है ना, हमेशा जब भी मैं कुछ खाने का देखती हूँ ना, तो सोचती हूँ बस आखिरी बार खा लेती हूँ या कल से डाइटिंग कर लूंगी। कैमरे में शोर ना जाए तो हम चिमनी नहीं चलाते, और चिमनी नहीं चलाई तो ये सारा धुआं हो गया। चैलेंज खत्म? खत्म नहीं है, मैं ये नहीं पी रही हूँ, ये मैं गट्टू को दे रही हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि ग्रीन के अंदर ग्रीन होगी। टू बी वेरी फ्रैंक, ले गट्टू तू पी ले जा। चटनी मेरी ग्रीन चटनी, मेरे पास ग्रीन ग्ली ग्ली ग्रीन चिली। So, कोरोना का साइड इफेक्ट। हाँ सही बात है। सो आई एम हैविंग माई ग्रीन पराठा। मैं पीने वाली हूँ यहाँ पर योगा पल्प कीवी एलोवेरा पल्प एंड जूस, हेल्थ इज एन इनसाइड। पहली बार पी रही हूँ। तेरी नियत कितनी खराब है, तू अपनी कोल्ड ड्रिंक रख के बैठा हुआ और मेरा यहाँ कीवी का जूस पी रहा है। कुछ बोल तो दे फिर वीडियो में, एक चीज बढ़िया बोल दे। गाइस, दीप्ति व्लॉग को सब्सक्राइब कर दो। अबे यार, अभी नहीं करा तो कब करोगे? जब मैं छोटी थी ना, तो मैं बिल्कुल भी हरी सब्जी नहीं खाती थी, मेरी पिटाई हो जाती थी, मैं खाना नहीं खाती थी, पर हरी सब्जी तो छूती भी नहीं थी। और जैसे जैसे बड़े हुए, चीज़ों की समझ आई, तो लगा नहीं ये बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट अगर आप डॉक्टर के पास भी जाओगे ना, तो वो यही सजेस्ट करेगा कि हरी सब्जियाँ ऐड करो अपनी डाइट में। बातें करते करते आधा खा लिया। दाल वाले चीले से मुझे बहुत सारा प्रोटीन मिल गया और मेरे अंदर आ गई काफ़ी देर के लिए एनर्जी। बेटा 10 नहीं बजे, 1:30 बज गया है और हमारा लंच टाइम हो गया, हमें टाइम का ही नहीं पता चला, तो चलते हैं किचन में। सो गाइस, मेरे दिमाग में आ गया कि मैं लंच के लिए क्या बनाने वाली हूँ। मैं बनाने वाली हूँ राइस धनिए वाले, जो कि मैं पहली बार बना रही हूँ। सो मैंने इसके लिए कुछ कटिंग पटिंग करके रखी हुई है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पैन में घी गरम किया और थोड़ा सा जीरा डाल के भून लिया, और उसके बाद लहसुन डाला और पिसा हुआ कोरिएंडर डाला, और इसको हल्का सा जॉटी करा। जॉटी करने के बाद इस पेस्ट को मैंने जो है पैन से बाहर निकाल लिया। पैन में थोड़ा सा घी गरम करके प्याज, मटर और कैप्सिकम डाला, और उसके बाद अपनी जरूरत के मसाले डाल दो और इसको अच्छा से जॉटी करो। जॉटी करने के बाद मैंने ऐड कर दिया इसमें राइस और वापस वो धनिए वाला पेस्ट। लेट मी ट्राई। यार ये इतने यम्मी लग रहे हैं, कांट टेल यू, फर्स्ट टाइम खा रही हूँ। सो लेट्स सर्व। ये कर्ड है पुदीने वाली, कुंबर है, और ये मेरे ग्रीन राइस। मतलब
मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हमको इनको रेगुलर बेस पे भी बना लेना चाहिए। और थोड़ी मेरी किचन और घर में ऐसी हो रखा है, प्लीज कहीं से कैमरा कुछ गलत वलत कैप्चर कर लेना तो इग्नोर कर देना, ये मत बोलना कि घर बहुत गंदा हो रखा है, बिकॉज ये टाइम पे आजकल मेड नहीं आ रही है। और ग्रीन फूड की प्रिपरेशन करने में ना मेरी वाट लग गई है। कोरोना के बाद से मैं अब फर्स्ट टाइम खा रही हूँ ये कर्ड, मैं कर्ड बिल्कुल छूट गया था। जब खाना अच्छा बनता है ना तो मुझे ऐसा लगता है बस मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे और मैं अकेले बैठ के शांति से खाती रहूं, खाती रहूं, खाती रहूं, खाती रहूं। Eventually कैमरा चलाते चलाते बोल रहा है देख लो कैसे बने, मैंने कहा देख ले कैसे बने हैं तो बता। मतलब दही नहीं खाई है इसलिए चावल टेस्टी लग रहे हैं, नहीं कहेगा सीधे सीधे साफ अक्षरों में कि चावल अच्छे बने हैं। हाँ बाय बाय। हाँ बेटा नहला दो। आपको मैंने सुबह नहलाया ना, देखो मैं इसे बैग खत्म हो गई। कहाँ से लगाई है? मुझे बताओ बेटा, मेरे को सब पता, आप दोबारा क्यों नहाना चाहते हो? एक्चुअली जब से मैंने इसके लिए वाओ स्किन साइंस का ये किड्स वाला शैम्पू मंगवाया ना, तब से ये मुझे सुबह उठ के बोलना शुरू करता है कि मुझे नहला दो, और पहले मुझे इसके पीछे भागना पड़ता था। शैम्पू है इतना अच्छा, 3-in-1 wash एक ही बॉटल के अंदर आता है, शैम्पू कंडीशनर और बॉडी वॉश, और टीयर्स टैंगल्स और रफनेस जैसी प्रॉब्लम भी नहीं होती। इट हेल्प्स टू क्लींस प्योरीफाई मॉइस्चराइज एंड नरिश स्किन एंड हेयर, हेयर एकदम सूथन और स्कैल्प सूती हो जाते हैं, बालों की उलझन कम होने के साथ साथ शाइन भी आ जाती है, ड्राई और रफ स्किन सॉफ्ट होने के साथ साथ ब्राइट भी हो जाती है। वाओ स्किन साइंस का किड्स जस्टिस लीग 2 editions में आता है, पहला केप्ड क्रूसेडर बैटमैन एडिशन और दूसरा ओशन किंग एक्वामैन एडिशन, जिसमें बच्चे खुश उसमें मैं खुश। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस 3-in-1 bottle ने मेरी 3 problems का सोल्यूशन निकाला है, स्पेस की प्रॉब्लम, दूसरा मनी सेविंग है, और तीसरा मुझे बच्चों के पीछे भागना नहीं पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पैराबेन सल्फेट सिलिकॉन और मिनरल ऑयल फ्री प्रोडक्ट है और कोई भी कलर एडिड नहीं है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गो एंड जस्ट चेक द प्रोडक्ट। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर ऐसा है ना, जब मुझे पता है पूरा दिन मैं ग्रीन फूड पे ही सर्वाइव करने वाली हूँ तो दिल करता रहता है कुछ कुछ खाते रहो, पर कुछ दिखता ही नहीं है खाने के लिए, तो फिलहाल पी लेते हैं। सो मैं पीने वाली हूँ अमूल कूल एंड लाइट फ्लेवर जो कि है 20 rupees। हमारे में जिस दिन चैलेंज करते हैं ना उस दिन मैं बहुत सारा खा लेती हूँ, बोल देना। मैं दिल गार्डन गार्डन हो गया इसको पी के, मस्त है। इतनी तलब लगी हुई थी, 2 घूंट में सारी गड़क गई, मैं गड़क गई या घड़क गई जो भी होता है। पम्पकिन सीड्स ये पैकेट कितने सालों से मेरे घर में पड़ा है मुझे कुछ नहीं पता था, किचन में बहुत सारा सामान खराब हो रहा था बट हम बिजी रहने की वजह से ध्यान नहीं दे पाते, अब वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। तो अब इससे मुझे एक चीज़ सीखने को मिली है कि बहुत थोड़ी क्वांटिटी में लेके आओ और वो ख़त्म हो जाए फिर लेके आओ, ऐसा ढेर मत मारो अपने घर में। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कहीं ये भी ख़राब तो नहीं हो गया, बिकॉज बहुत सारे ड्राई फ्रूट में से ये होता है मेरे साथ, गिरता है हमेशा। ओके ये चलेगा, कितनी एनर्जी वाली चीज़ें खा रही हूँ। पिस्ता जो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि उनका लॉकडाउन में टाइम नहीं कटता, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मेरे पास 1 second का भी टाइम ही नहीं बचता, और रात को सो तो भी टेंशन है काम की, दिन में उठो तो भी टेंशन है, सुबह आँख खुलने से पहले दिमाग में इतने सारे क्वेश्चन मार्क होते हैं कि कैसे मैनेज होगा। सो फिलहाल ये सारी टेंशन्स को दूर करने के लिए मैं पीने वाली हूँ 1 cup अपनी प्यारी सी ग्रीन टी। गाइस मैंने ग्रीन टी के लिए जो है ना पानी चढ़ा दिया है, एंड लेट्स ट्राई दिस बाउंस बिस्किट। अरे यार नहीं है ना, मेरे को लगा मतलब ये भी येलो है। सो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बच गया है मतलब यहाँ से बहुत ज्यादा डेंजर है। सो गाइस करते हैं कुछ जुगाड़, पापी पेट का सवाल है। ब्राउन ब्रेड पर पुदीने धनिया की चटनी लगाई, चीज लगाया, कुकुम्बर लगाया और शिमला मिर्च डाल दी, और बस थोड़ा सा मक्खन लेके इसको पैन में रखा और ढक दिया, इट इज रेडी। सो अब इस पे हम डाल देते हैं थोड़ा सा ओरिगैनो, ये भी ग्रीन 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 कलर का ही है। ऐसे तो ग्रीन टी मैं पी लेती हूँ चलते फिरते घूमते ऑफिस में काम करते हुए, बट ये वाला फ्लेवर ये वाली कंपनी आई एम ट्राइंग फर्स्ट टाइम। आज मैं रेड केचप खा पाती उसके साथ ये और यम्मी लगता। बिना ओवन के तवे पे एकदम मस्त बना है, और माँ के खाने की याद आ जाती है जब भी मेरा कोई खाना टेस्टी बनता है। मतलब मम्मी पसीनों में नहा रही होती थी किचन के अंदर, एकदम पसीने आ रखे होते थे, मम्मी फिर भी बोलती थी अच्छा कम पड़ गया और बना दूँ, अच्छा वो खाएगी वो बना दूँ। मतलब मम्मियाँ कितनी भी बीमार हो, कितनी परेशान हो, कितनी हमको गालियाँ देती रहे किचन में काम करते करते, पर ना अपने बच्चों का पेट भर के उनको जो सुकून मिलता है ना
कांट टेल यू, कांट एक्सप्लेन यू। अगर आप मदर है तो भी समझ पा रहे होंगे, और बच्चे हैं जिस उम्र में मैं नहीं समझ पाई थी, शायद हो सकता है आप ना समझ पा रहे हो। काम कर ले, काम कराया करो, काम करना सीखो, लड़कियां हो पराए घर जाना है, ये वो फिलाना ढिकलाना, क्या होगा अगले घर जाओगे। यही होता है चीजें ना, टाइम के साथ ना इंसान सीख जाता है, वक्त सिखा देता है सब कुछ। और मैं तो उन बेशर्मों में से एक थी, बेलन खा लेती थी, डंडे खा लेती थी, गालियां खा लेती थी, पर काम नहीं करती थी। और बहुत अति हो जाती थी तो खाना खाना छोड़ देती थी, फिर भी काम नहीं करती थी घर का। और नाउ मेरे हिसाब से अब मैं बहुत हद तक सब कुछ मैनेज कर रही हूँ। आई एम मैनेजिंग माई ऑफिस, किड्स, यूट्यूब, घर, हस्बैंड, एवरीथिंग। तो यार इसमें ना सच बता रही हूँ, पैक छोड़ दूँ, इसमें ना एक फ्लेवर की खुशबू आ रही है, जैसे वो वृंदावन में धुबतियाँ नहीं चलती है। मतलब ये मैं डब्बा पूरा कैसे कंज्यूम करूँगी, दोबारा देखती हूँ। माँ कसम भाई, धुबत्ती वाली खुशबू आ रही है। आप लोगों ने मुझे ग्रीन फूड के लिए बोला तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार ग्रीन तो खाली सब्जियाँ, पालक, मेथी, ये सब होता है, इनका क्या मैं चैलेंज बनाऊंगी। बट जब मैंने चैलेंज करना स्टार्ट किया तो मेरे दिमाग में और भी ज़्यादा आइडियाज़ आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इसके तो मैं कई सारे पार्ट निकाल सकती हूँ। अभी आप क्या बोलते हो वो मुझे बता देना। सो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सिर्फ ग्रीन ग्रीन चीज़ों का सूप। सूप मैं पहली बार पीने जा रही हूँ, वैसे अच्छा ही है, कुछ नया सीखने को और नया पीने को मिलेगा। वाह 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 वाह, मुझे ऐसा लग रहा है मैं शायर बन गई हूँ। तो नहीं कैमरामैन चेंज करने की जरूरत है, इतना कुछ चुंबर निकाल दो इसका, दबा दबा के कि वेस्टेज बचे। फ्लोर से इसको थोड़ा गाढ़ापन मिलेगा, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी काली मिर्च। ये मत सोचना कि मैं इसको डायरेक्ट ऐसे ही पी लूंगी, अभी कॉर्नफ्लोर डाला है, थोड़ा सा पकाएंगे तभी थिकनेस मेंटेन होगी इसकी। गैस पे कुछ निकलता है ना, दर्द उसका नहीं होता, दर्द ये होता है कि गैस साफ करनी पड़ेगी। यू नो सूप पीने के बहुत सारे फायदे हैं, ये आपकी एनर्जी को हाई रखता है, कैलोरीज को कम रखता है, और यू नो इसमें बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन होते हैं जिनसे हमारी बोन्स जो है स्ट्रांग हो जाती है। तो डाइजेशन जैसी प्रॉब्लम को भी इम्प्रूव करता है, और इससे हमें भूख ज़्यादा लगती है। और जब भी हम किसी हेल्दी चीज़ की बात करते हैं तो कोशिश करो हम अपने घर पर ही बनाकर खाएं, बिकॉज बाहर के पैकेट्स में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। बिना रोटी खाए मैं रह नहीं सकती, सफ़ेद आटे की पूड़ी मैं खा नहीं सकती, तो मैंने जुगाड़ निकाला है, मैं बना रही हूँ पालक वाली पूड़ी जिसमें मैंने अजवाइन और नमक भी मिलाया है। सो गाइस डिनर की तैयारी चल रही है, मीनवाइल मैं खा लेती हूँ हरी हरी इलायची। यू नो हमारे आसपास सब कुछ होता है, बस हमारी नज़रें बंद होती है। ही के चक्कर में रिफाइन डाल देती हूँ इसमें। एक तरफ पूड़ी बन रही है और दूसरी तरफ मैं पालक पनीर में तड़का लगा रही हूँ। वो वाली रेसिपी क्या ही शेयर करनी है यार, पालक पनीर तो सबके घर में ही बनता है। इट्स टाइम टू हैव द डिनर एंड एंड द व्लॉग। ये पालक पनीर, पुदीना, धनिया और हरी मिर्च की चटनी, पालक वाली पूड़ी और कुकुम्बर, एकदम हेल्दी वाला डिनर। और जब मैं पालक बना रही थी ना, ट्रस्ट में मुझे ऐसा लग रहा था सबसे गंदा मेरी कुकिंग का पार्ट आज ये पालक पनीर होगा, बट मैंने जब इसे टेस्ट किया तो ये बहुत ही ऑसम बना है। सो आई होप यू एंजॉयड माय ग्रीन फूड चैलेंज वाला वीडियो। आई स्वेयर ग्रीन पूड़ी इज ऑसम। मतलब ये थोड़ा वियर्ड कॉम्बिनेशन लग रहा था, मुझे लग रहा था पालक वाली पूड़ी पालक पनीर के साथ, बट ट्रस्ट मी आई एम हैविंग पूड़ी आफ्टर सो मेनी डेज और इसका टेस्ट एकदम ऑसम। तो बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। यार लेट इतना ज़्यादा हो गया, मेरी ग्रीन आइसक्रीम तो रह गई, पर कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट पार्ट में पक्का दिखाऊंगी, तब तक संभाल के रखूंगी।